एब्जॉर्बन चैप्टर की समरी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूम ह्यूम के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पहला क्या है इसमें एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में दो चीजें हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल Elementary canal consists of the mouth. Elementary canal means mouth. The next is buccal cavity. Third is pharynx. Fourth esophagus. Esophagus leads into stomach. Stomach leads into intestine. Small intestine. Small intestine leads into large intestine. And large intestine leads into rectum and rectum in the anus so we can say that it is a tubular structure and this tubular structure starts from mouth it is a tubular structure which starts from mouth and ends into anus anterior pe kya hai mouth posterior pe kya hai anus the accessory digestive glands includes salivary glands थ द गॉल ब्लैडर एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है या एसोसिएटेड ग्लैंड है उसमें लीवर पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड मौजूद है इन साइड द माउथ द टीथ मैस्टिकेट्स द फूड एंड द टेस्ट द फूड एंड मैनिपुलेट इट फॉर प्रॉपर मैस्टिकेशन बाई मिक्सिंग विद द सलाइवा मतलब ये है कि जो दांत है वो खाना चबाते हैं जो जीभ है वो खाने को और सलाइवा को तरीके से मिक्स करती है और यहाँ पे चूट फूड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बोलस सो so, यहाँ पे सलाइवा कंटेंस ऑफ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जब खाना हम चबा रहे होते हैं तो बकल चैम्बर में सलाइवा की सहायता से सलाइवरी अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है तो यहाँ पे कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है सेलेवरी एमाइलेज इसका दूसरा नाम टाइलिन किस पीएच पे काम करता है 6.8 पीएच पे काम करता है विच डाइजेस्ट द स्टार्च स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में इट कन्वर्ट्स स्टार्च एंड इनटू माल्टोस व्हाट इज माल्टोस सेक्राइड माल्टोस एक टाइप का क्या है डाइसैकेराइड है फूड एंड पास पे पास हो जाता है एंड एंटर इन दोलस और फिर वो esophagus में जाता है, और उस फूड को हम क्या बोलते हैं बोलस चुड फूड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज बोलस विच इज फर्दर कैरी डाउन थ्रू दूसोफेगस बाई पैरस्टाइलिस इन टू द स्टमक अब इसोफेगस में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स का यहाँ पे जो मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स वो क्या है? करती हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करती हैं और स्टमक में फाइनली फूड आ जाता है पेरिस्टैल्सिस की सहायता से इन स्टमक मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस प्रोटीन डाइजेशन वेयर टेक्स प्लेस एग्जैक्टली

हम क्या बोलते हैं किस नेचर नेचर का का होता है? का होता है है एसिडिक क्योंकि स्टमक में जो पीएच है वो है 1.8 तो फूड का नेचर किस टाइप का होगा एसिडिक फूड एंटर्स इन द डिओडिनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटस्टीन यानी कि फूड स्टमक से स्मॉल इंटस्टीन में जाता है और स्मॉल इंटस्टीन के किस हिस्से में उसके पहले पार्ट में जिसको बोलते हैं एंड इज एक्टेड अपॉन बाय द पेनक्रियाटिक जूस बाइल जूस एंड फाइनली बाय द एंजाइम्स इन दक्कस एंटेकस फूड किस किस से मिलता है लीवर से आने वाले बाइल जूस से पेनक्रियास से आने वाले पेनक्रियाटिक जूस से और इंटेस्टाइन के खुद के जूस से जिसको हम क्या बोलते हैं सो दैट द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इज कम्प्लीटेड जिसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है द फूड एंटर्स इन टू दैजुनम एंड इलियम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटस्टीन इसके बाद फूड कहा जाता है जेजुनम में जेजुनम से कहा जाता है इलियम में कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इंटू मोनोसेक्राइड इक ग्लूकोज इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाइनली किसमें कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में प्रोटीन आर फाइनली ब्रोकन इन टू अमाइनो एसिड प्रोटीन फाइनली किसमें डाइजेस्ट हुए अमाइनो एसिड में एंड द फैट्स आर कन्वर्टेड इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट हुए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में मतलब क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोस प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स फैट्स का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है द डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी थ्रू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई यानी कि अब्सॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टिन में होता है ई की सहायता से होता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टिन के बाद जब फूड जाता है तो कंप्लीट डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होने के बाद विलाई की सहायता से इसका एब्सॉर्ब्शन होता है द अनडाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोल रहे हैं फीसेस एंटर्स इन टू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन एंटर होता है वो लार्ज इंटेस्टिन में एंटर होता है लार्ज इंटेस्टिन का पहला हिस्सा सीकम किसके थ्रू होता है इलियोसिकल वेल्व यानी कि जो सीकम और इलियम के बीच में जो जंक्शन है वहां पे एक वेल्व मौजूद है जो अनडाइजेस्टेड फूड को दोबारा से स्मॉल इंटस्टीन में नहीं आने देता उसको हम कहते हैं इलियोसिकल वेल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर यहां पे आ चुकी है लाइन कि वो क्या करता है फीकल मैटर के बैक फ्लो को रोकता है मोस्ट ऑफ द वॉटर इज एब्जॉर्ब यानी कि जो पानी है उसका एब्सॉर्बन लार्ज इंटरस्टीन में होता है एंड द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम से रैक्टम रैक्टम क्या करता है फीसेस को स्टोर करता है द एनल कैनाल एंड इज फाइनली एजस्टेड थ्रू द एनस यानी की ये पहले रेक्टम में आता है रेक्टम से एनल कैनाल में आता है और एनल कैनाल से फाइनली इसका इजेशन हो जाता है थ्रू एनस तो यहाँ पे हमने इस पूरे चैप्टर की समरी के साथ इसको एन के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया है अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे लिंक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें आप टॉपिक वाइज इस चैप्टर को वन बाय वन या पूरे कंप्लीट टॉपिक को उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड तो आप किसी भी टॉपिक को किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं